हमारे धर्मों में हमें क्यों बताया जाता है कि हमें दान करना चाहिए, और इसका महत्व जो हम इस मंदिर की तरफ आ रहे थे सुबह सुबह, तो मिश्रा जी ने हमें बताया। तो मिश्रा जी से मैंने अनुरोध किया कि आप इसे हमारे चैनल पे भी बताइए ताकि और लोगों को भी पता चले। बहुत अच्छी स्टोरी है मिश्रा जी, प्लीज़। मैं अनुराग जी, मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी जॉन डी रॉकफेलर के बारे में। ये अमेरिका के बहुत अच्छे, मतलब अच्छे बिजनेसमैन थे। 25 साल की उम्र में इनके पास एक बहुत बड़ी रिफाइनरी थी, और 31 साल की उम्र में इन्होंने और ग्रो किया तो उनके पास यूएस की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। 38 साल की उम्र में इनके पास जो है 90% अमेरिका का जो रिफाइनरी के बाद जो ऑयल प्रोड्यूस होता था वो उनके पास, उनके कब्जे में था। इसके बाद 50 साल की उम्र में ये अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति थे। इसके बाद जो है एक बड़ी घटना घटती है उनके लाइफ में, वो 53 साल की उम्र में वो जो है बीमार पड़ जाते हैं। उनका अपना पर्सनल फिजिशियन ये बोल रहा था कि ये अब एक साल तक जीवित नहीं रह सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आश्चर्य की बात कि उनके दिमाग में एक नई बात आई, भगवान ने कुछ ऐसा किया और उन्होंने सोचा कि ये हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है, हम इसको करेंगे क्या। तो उन्होंने जो अपनी पूरी संपत्ति को चैनलाइज करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, अपने मैनेजर को बुलाया, और इसके बाद ये बताया उसको कि हमारी पूरी संपत्ति को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इस तरह से जो है उसको यूटिलाइज कीजिए कि निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ हमारे समाज को फायदा होगा। उन्होंने उस पूरी संपत्ति को से जो है हॉस्पिटल्स बनवाए, और क्या नाम की चैरिटी में लगाया, और रिसर्च के लिए उन्होंने वो पैसा दिया। और इसके बाद जो एक बहुत बड़ा मतलब मिराकल होता है कि उन्होंने चार चीज़ें उस पैसे से डेवलप हुई रिसर्च के बाद में। पहला टीबी की दवा, डिप्थीरिया की दवा, और क्या नाम की इसकी जो है मलेरिया की दवा, और एक पेंसिलिन डेवलप की। आश्चर्यजनक ढंग से चार चीज़ों का निर्माण मतलब रिसर्च के बाद ये निकला। और इसके बाद जो है उनके लाइफ में एक विशेष चेंज आया, मतलब जब उन्होंने अपने पूरे पैसे को इस तरह से दान दिया, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए दिया, तो उनकी लाइफ में 53 साल के बाद जो है एक साल के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया। और इसके बाद जो है उनके हेल्थ में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। जो डॉक्टर ये बोल रहा था कि ये एक साल तक नहीं जीवित रहेंगे, वो अपने उम्र के 98 साल तक जीवित रहे। आप ये सोच लीजिए कि दान से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब आप जैसे ही दान देते हैं, दान के देने के टाइम में आपके अंदर एक विशेष तरह का रसायन आपके माइंड से इंजेक्ट होता है और पूरे बॉडी में जो है जाता है, वो उस रसायन से आपके बॉडी में रोग रोधक क्षमता डेवलप होती है। ये इस कहानी से प्रूव भी होता है, और ये जो है साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि जो रसायन डेवलप ये आपकी बॉडी में सीक्रेट होता है, इसका कितना बड़ा महत्व हमारे जो हिंदू संस्कृति है उसमें जो है दान का महत्व इसीलिए बताया गया होगा कि इन्होंने ऐसा कोई रिसर्च कर डाला होगा। अब अनुराग जी बताएंगे इसके बारे में। अब हमारे पास बताने के लिए कुछ बचा नहीं, मिश्रा जी ने सारी बात बता दी और रास्ते में बताई थी, मुझे अच्छी लगी और इतना बढ़िया से इन्होंने बताया था कि शायद इतना अच्छे से मैं नहीं बता पाऊंगा। इसी के साथ हम दोनों लोग आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।